प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्ग के पिता, धन्यवाद देते हैं ये अच्छे समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। हमारे समान कितना लोग ये वचन सुनने के लिए मौका नहीं मिला। कितना लोग रोते पीटते हॉस्पिटल में, घरों में, निराशा में पड़ गया है, लेकिन आपने हमारे कान को खोला, हमारे आंखों को खोला, हमारे बुद्धि को खोला, ताकि हम तेरा पवित्र उपस्थिति को महसूस करें और तेरा पवित्र वचन को हम सुने। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना हमारे जीवन में बड़ी आशीष का कारण बने। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको सबको बहुत आशीष दे। डेली ब्रेड परमेश्वर के वचन की सेवकाई में आप सबको खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। अच्छे नया दिन खुदा आपको हर प्रकार से आशीषों से भरपूर करे। लगातार हम सुन रहे हैं, अपने बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। दूसरी आयत, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर। हम लगातार सुन रहा है, परमेश्वर हमसे कहते हैं आपका बोझ यहोवा के ऊपर डाल दो। क्यों? वो डेली प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। वो कैसे, प्रैक्टिकली कैसे करना, वो हम लगातार सुन रहे हैं। आज मैं और एक परमेश्वर का दास का जीवन के अनुभव के द्वारा कैसे बोझ यहोवा के ऊपर डालना है मैं आपसे समझाना चाहते हैं। दूसरी इतिहास 20 अध्याय उसकी 12 आयत, दूसरी इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स 20 अध्याय उसकी 12 आयत, चैप्टर 20 वर्स 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? एक जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सुझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। यहोशाफात नाम एक प्रभु का दास राजा है, उसके बारे में यहां पर हम पढ़ सकता है। यहूदियों के बीच में परमेश्वर को पसंद किया हुआ राजाओं में एक राजा है यहोशाफात। परमेश्वर को पसंद किया हुआ, परमेश्वर का इच्छा पूरा किया हुआ एक प्रभु का दास, एक राजा। इस यहोशाफात के पास 10,00,000 सेना थे, 10,00,000, लेकिन फिर भी यहोशाफात डर गया, क्योंकि उसको मालूम है हमारा अपना शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकता। वो बोलते हैं उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकता, अपना शक्ति से, अपने बल से हम इस लड़ाई में जीत नहीं सकता। अगर इतिहास पढ़े, 3 राज्य के लोग मिलकर यहोशाफात के ऊपर हमला करने के लिए आया है। अभी ऐसे वक्त आया, सरेंडर करना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। बट लेकिन यहोशाफात ने इस आखिरी समय अपना बोझ यहोवा के ऊपर डालने के लिए फैसला किया है। तीसरी आयत वहां लिखा है, यहोशाफात डर गया और यहोवा का की खोज में लग गया और उपवास का प्रचार करवाया, यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुआ है।
परमेश्वर का ऊपर हमारा बोझ रखने का और एक प्रैक्टिकल साइड और एक तरीका, वो कैसे है? यहोशाफा डर गया, बट यहोवा का खोज ही रहा। मतलब कैसे, क्या करूं, कई करूं, परमेश्वर से पूछने लगा हमने क्या करना है, और उपवास का प्रचार किया। अभी तक हमने कल तक सुना है अकेला प्रार्थना, प्राइवेट जगह में प्रार्थना। यहां पर यहोशाफात ने क्या किया है, उपवास का घोषणा किया है और यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा हुआ है। पहले अकेला, अभी इकट्ठा। ध्यान से सुना ये वर्ड, पहले अकेला भोज रखते थे, अभी इकट्ठा परमेश्वर को ऊपर भोज रखने के तैयार हो गया। ये है अपना भोज यहोवा के ऊपर डालने का और एक तरीका, उपवास और प्रार्थना। अकेला और एक तरीका है, और एक तरीका है पूरा फैमिली। मुझे याद है बहुत साल पहले, क्योंकि आत्मिक जीवन में बहुत तेरे भोज मेरे लाइफ में हुआ, काफी टेंशन में था मैं, बहुत ज्यादा, क्या करूं क्या करूं, बड़ा भोज में था, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोला। एक प्रभु का दास हिमाचल प्रदेश से, मैं जानता ही नहीं है, परमेश्वर की आवाज सुनकर मेरे पास आया और मुझे बोला है, आप हस्बैंड एंड वाइफ बच्चे के साथ हाथ जोड़कर रोज सुबह आपका विषय के लिए खुदा का हजूरी में रोना शुरू कर दो। अकेला प्रार्थना और है, इकट्ठा प्रार्थना और है। 12 आयत में लिखा है, उन्होंने अपना कमजोरी को मानता हूं, हमसे नहीं हो सकता, नहीं कर सकता हम, बस हमसे नहीं होगा, परंतु हमारे आंखें तेरी ओर लगी गई। यहोशाफात बोल रहा है, मेरे से नहीं होगा खुदा, परमेश्वर मेरे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हरा नहीं, यहोवा को और आंखें उठाया। मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहते हैं, अगर आपके आंखें यहोवा के ऊपर उठाए, परमेश्वर के ओर आप देखे, वो आपका मुंह को शर्मिंदा होने नहीं देंगे, वो आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया, अकेला बातचीत नहीं, अगर आप परमेश्वर को ओर देखेगा तो आपके द्वारा परमेश्वर ने कुछ काम कराएंगे। परमेश्वर ने क्या बोला था, 19 आयत, अत्यंत ऊंचे शब्द से, अत्यंत ऊंचे शब्द से करने लगे, क्या करने लगे, 21 आयत, पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा की गीत गाए और उसकी स्तुति किया है, तब शत्रु हार गया। मेरा शिशो, बहुत ध्यान से सुनिए, आपका भोज परमेश्वर के ऊपर डालने का एक और तरीका, आपका प्रॉब्लम, आपका भोज पूरा परिवार कस बांधा हुआ है, पूरा परिवार के ऊपर असर हो रहा है, आपका पापा मम्मी भाई बहन देश विदेश में कोई भी हो, पूरा परिवार को चपेट में लेके आया है प्रॉब्लम, तो मैं आपसे मेरे अनुभव के साथ मैं आपको समझाना चाहते हैं, आपका घर में कितना मेंबर है, इकट्ठा बैठो, इकट्ठा बैठो रोजा के साथ, उपवास के साथ इकट्ठा बैठकर परमेश्वर को बोलो, प्रभु हम कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास शक्ति नहीं, हमको मदद कर, इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से, इस संकट से हमको बचाए। अब मिलकर प्रार्थना करें, ध्यान से सुना, अकेला अकेला प्रार्थना करना एक और तरीका है, लेकिन आपका समस्या पूरा फैमिली में जोड़ा है तो पूरा फैमिली बैठना है। अब ये नहीं बोलना मेरे पास समय नहीं है, बच्चा लेट आएगा है, पशु को खाना देना है, काम करना है, नहीं, यहोवा को और देखना है,
अगर सचमुच्चा परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, परमेश्वर के तरफ से मांग उठाइए, आज से शुरू करो। आज से आपका घर का जितना भी समस्या है, जितना भी भोज में प्रॉब्लम में आपका परिवार दबा हुआ है, मैं चैलेंज करना चाहते हैं, आज से शुरू करो। जितने मेंबर है आपका फैमिली में, इकट्ठा बैठो, बाइबल पढ़ो, ये वचन सुनो, हाथ उड़ाकर अपना मुंह खोलकर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद करना शुरू करो। कैसे लिखा है? अत्यंत ऊंचे शब्द से करने लगे, अत्यंत ऊंची शब्द, ऊंची शब्द से करने लगे। क्या करने लगे? पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा की गीत गाए और उसकी स्तुति गाए। मुंह खोलकर गीत गाना, मुंह खोलकर प्रभु को स्तुति करना, तब क्या हुआ है? दुश्मन हार गया, शैतान हार जाएंगे। अगर आपका बोझ यहोवा के ऊपर डाल दे, आपको खुदा ने कुछ अलग अलग तरीका सिखाएंगे, कैसे आप जयवंत हासिल कर सकता है, कैसे आप छुटकारा पा सकता है, कैसे आपका जीवन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाल कैसे मिलेगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर चाहते हैं आपका पड़ोसी के सामने, आपका दुश्मन के सामने, आपका रिश्तेदार के सामने परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए परमेश्वर का वचन को सुनो, यस, दिखावटी नहीं, फॉर्मालिटी नहीं, छोड़ दो ये सारे दिखावटी बात, और परमेश्वर को ऊंचे शब्द से आराधना करना शुरू करें। मैं आपको एक बात बोलने के लिए चाहते हैं, हमारे चर्च में बहुत लोग आते हैं लेकिन छुटकारा क्यों नहीं मिलता है? छुटकारा नहीं मिल गया, चंगाई नहीं मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो बोलता है इसी चर्च में शक्ति नहीं है, इसी पास्टर के ऊपर अभिषेक नहीं है, किसी पास्टर के ऊपर दोष ना लगा, वह प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि आप मुंह खोलकर परमेश्वर को स्तुति नहीं करते हैं, आप चर्च में बैठकर ताली नहीं बजाते हैं, आप आवाज उठाकर प्रभु को स्तुति नहीं करते हैं, उसका वजह से अभी भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। शायद आप पढ़े लिखा होगा, शायद आप चर्च का एल्डर होगा, शायद आप चर्च का खास विश्वासी होगा, खुद देखिए आप खोल कर आराधना करते हैं चर्च में? नहीं करते, नहीं करते हैं, आप चुपचाप बड़ा भक्त बनकर बैठते हैं। लेकिन वचन क्या लिखा है? 19 आय से 21 आय तक अत्यंत ऊंचे शब्द से करने लगा, पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा की गीत गाएं और उसकी स्तुति किया जाए। आज फासला करो, इसी संडे मैं चर्च में जाकर आवाज उठाकर आराधना करूंगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं ऊंची शब्द से मैं प्रभु को स्तुति करूंगा। जरूर आपका जीवन में कुछ चमत्कार होगा, कुछ अद्भुत काम होगा, मैं आपको गारंटी देना चाहते हैं। इसलिए फॉर्मालिटी छोड़ो, खोल कर परमेश्वर को आराधना करें। मेरे मुझसे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, मैं खोल कर परमेश्वर को आराधना करूंगा। आजकल चर्चस में ये ही प्रॉब्लम है, लोग खोल कर आराधना नहीं करते। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन खोल कर आराधना नहीं करते। परमेश्वर आपका जीवन में विजय देना चाहते हैं, जयवंत देना चाहते हैं। आपका भोज परमेश्वर के ऊपर रखो, निराशा का जरूरत नहीं। लेकिन कैसे रखना आपका बोझ परमेश्वर के ऊपर रखने का एक और तरीका, इकट्ठा करो फैमिली, इकट्ठा करो, ऊंची शब्द से स्तुति करो, आराधना करो। हालेलुया, पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा का गीत गाओ और उसकी स्तुति करो। प्रैक्टिकल करके देख लो ना, प्रैक्टिकल कर देख लो, जितना भी बड़ा भोज है आपका लाइफ में, इस वचन के साथ दूर किया जाएगा। यीशु के नाम में दूर किया जाए, यीशु के नाम में भोज हट जाए। लेकिन आपने फासला लेना है, मैं मुंह बंद करके खुदा का हजूर में नहीं बैठूंगा, मैं खोल कर, मुंह खोल कर प्रभु को स्तुति करूंगा, मैं मुंह खोल कर परमेश्वर को आराधना करूंगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र वचन के लिए। आज
हमसे आपने बातचीत किया। खुदावन हमारे जीवन के आत्मिक सुधार के लिए, हमारे आशीष के लिए जो वचन रोज आप हमको देते हैं, होने दे इस वचन के साथ हमारे जीवन में एक डेवलपमेंट हो जाए, एक तरक्की हो जाए। खुदावन इस वचन सुना वो एक एक भाई बहन खुदावन तेरे बच्चे के जीवन में ऐसे अनुभव दे, खोल कर परमेश्वर को आराधना करें, मुंह खोल कर ऊंची शब्दों से प्रभु गीत गाए, स्तुति करे, ताली बजाए, धन्यवाद करने के लिए जैसे यहोशाफात ने किया है, ऐसे हमारे जीवन में मदद सहायता करे। ये वचन है सबके जीवन में, यीशु का नाम है आशीष का कारण बने। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आप प्रार्थना के साथ फासला करें, चर्च में जाकर जैसे तंबाकू बनाते हैं ऐसे ताली नहीं बजाना, जोर जोर से ताली बजाकर, जोर जोर से मुंह खोलकर परमेश्वर को आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा आपको आशीष दे, वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बहुत आशीष दे, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना का विषय के लिए नीचे नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये अच्छे दिन जिंदगी का एक क्षेत्र में रूहानी तरफ से, जिस्मानी तरफ से, आर्थिक तरफ से खुदा आपको आशीषों से भरपूर करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विद यू, आमीन।